हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। ट्वेल्थ के एग्जाम्स ख़त्म हो गए, आफ्टर ट्वेल्थ क्या, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और स्पेशली मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेशंस दूंगा क्योंकि ट्वेल्थ के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम क्या करें। एक ऑप्शंस होता है कि अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो हो सकता है आप मेडिकल फील्ड में जाएं, राइट, यानी आप डॉक्टर बने। हो सकता है आपका अगर मैथ सब्जेक्ट है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, मैथ, बायो, आर्ट्स, ऐसे क्या क्या हैं, कॉमर्स, ऐसी बहुत सारी अलग अलग फील्डें हो सकती हैं। मैथ्स है तो आप हो सकता है बीई करें, यानी बीई बीटेक करें आईटी एनआईटी या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से। हो सकता है कि आप बीसीए करें, हो सकता है कि आप बीएससी करें, हो सकता है कि आप बीए करें, हो सकता है कि आप बीकॉम करें, एंड डिफरेंट थिंग्स। ऐसे अगर आप बायो फील्ड से, हो सकता है तो बीएससी बायो करें या बायोटेक्नोलॉजी करें, ऐसे कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बीए करें या डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं। तो ये जो मेरा एक सेशन है वो एक बहुत ही फोकस सेशन है, आप समझिएगा, क्योंकि मैं एक साथ अगर सब चीज़ें बोलूँगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी जो आपने मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज भेजे हैं, और पर्टिकुलर एक इस कोर्स के लिए जरूर आपने मुझसे पूछा है कि बीसीए को लेके, कि सर बीसीए करना चाहते हैं क्योंकि कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है, पर कुछ लोग बोलते हैं कि बीसीए कोर्स की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू अदर कोर्सेज की, या कई जगह पे बीसीए कंसीडर नहीं किया जाता। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हैं लोगों के। तो मैं पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि बीसीए भी बिल्कुल वैसा ही डिग्री कोर्स है जिस तरह से बीबीए है या बीकॉम है या बीएससी है, ये सब तरह से, यानी बीसीए कोर्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, जहां पर ग्रेजुएशन मांगते हैं वहां पर बीसीए भी उतने ही परसेंट एप्लीकेबल है जितने बाकी कोर्सेज हैं, इसलिए बीसीए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल उठता है कि बीसीए क्यों करना चाहिए, बीए या बीबीए क्यों नहीं करना चाहिए, या बीएससी मैथ से क्यों नहीं करना चाहिए, या बी। तो मैं पहले एक बात बहुत ही क्लियर कर दूं, और मैं आपके साथ एक सेशन भी शेयर करूंगा जो बीसीए वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, जो बीसीए के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो भी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा बहुत ही जल्दी। मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा कि आप कोई भी एग्जाम्स या कोई भी कोर्स क्यों कर रहे हैं, उस पर लॉन्ग टर्म प्लान एक्शन क्या, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नॉर्मली अगर आप एक जनरल स्टडी करें आईआईटी की या मेडिकल की, मतलब नीट की, अगर आप देखेंगे कि आईआईटी या नीट में, मतलब मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में, आईआईटी में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइन्थ या टेंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसे बच्चे अक्सर ट्वेल्थ के फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं, राइट, यानी इन्होंने समय रहते प्रिपरेशन की थी इसलिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं। नॉर्मली टेंथ या इलेवेंथ तक भी कोई करता तो हो जाता, पर कई बच्चे जो ट्वेल्थ में करते हैं और वो नहीं हो पाते हैं, फिर वो ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप के बाद भी नहीं होते, क्योंकि हर एग्जाम के लिए एक मिनिमम ड्यूरेशन लगती है। जैसे आईआईटी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम टू ईयर की बहुत फोकस स्टडी लगती है, इसलिए जब कोई ट्वेल्थ वाला बच्चा बोलता है कि सर हम आईआईटी के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो मैं उससे पहला ये क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आपने लास्ट ईयर आईआईटी की प्रिपरेशन की थी। बच्चा बोलता है यस तो मैं बोलता हूँ ले लो, बच्चा बोलता है नो तो मैं बोलता हूँ फिर नहीं लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने पिछले साल प्रिपरेशन नहीं की थी, एटलीस्ट टू ईयर देना पड़ता है, और आईआईटी में टू ईयर का ऑप्शन खत्म हो गया, एक ट्वेल्थ के साथ और एक ट्वेल्थ के बाद दे सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर 73% थे ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ दोबारा दे के आईआईटी दे दें। मैं फिर वही क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपने प्रिपरेशन पहले से की थी, क्योंकि हर एग्जाम का एक मिनिमम ड्यूरेशन होता है, अगर आप उतना टाइम नहीं देंगे तो उस एग्जाम में आप फेलियर हो सकते हो, फिर हम उसे अपने अंदर निराशा लाते हैं। हम निराशा क्यों लाते हैं, क्योंकि हमने उसको टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिजल्ट मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपसे मान लीजिए 11th 12th में ये मिस्टेक हो गई, तो अब आगे क्या, अब आगे भी यही मिस्टेक करना है। अक्सर ग्रेजुएशन वाले बच्चे ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए इम्पिटस गुरुकुल में एक कोर्स आईआईटी भी है, मेडिकल भी है, एमसी एंट्रेंस भी है, कैट एंट्रेंस भी, हर तरह की चीज़ें बहुत सारे अच्छे से बताई जाती है, और मैं भी इन डोमेन से जुड़ा हुआ तो मैं आपको बहुत प्रॉपर गाइड कर सकता हूं, आपको एक एक छोटी छोटी बारीक बातें बता सकता हूं जो लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर हमारा एम क्या है ये क्लियर है, अगर मान लीजिए आपने 11th 12th के समय, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हो सकता है आपका कॉमर्स हो तो आपने क्लैट निकाल लिया हो, हो सकता है सीए एंट्रेंस निकाल लिया, डिपेंड ऑन आपका इंटरेस्ट डिफेंस में था, आपने एनडीए के थ्रू चले गए, अब आपका इंटरेस्ट मान लो आगे भी डिफेंस में, पर आपने लेट स्टार्ट की, तो आप आगे जाके सीडीएस दे सकते हो, आपको एमबीए करना आगे जाके आप कैट का एग्जाम दे सकते हो, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, आप एमपीपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, डिफरेंट स्टेट के पीएससी दे सकते हो, डिपेंड ऑन। पर अगर इस चीज़ की प्लानिंग समय रहते की जाए तो एक बात बिल्कुल श्योर है कि आप बिल्कुल ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में उस एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो जो एग्जाम आपने सेलेक्ट किया है।
इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैं हर एक एग्जाम्स की जो आप मुझे भेजते हैं उनके डिफरेंट सेशन जरूर लूंगा। तो आज का मेरा जो सेशन है वो है कि बीसीए अगर हम करते हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और बीसीए के साथ साथ किस ढंग से हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की और किस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बीसीए एक बहुत अच्छा कोर्स है। बीसीए और बीएससी में भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बीएससी करना ज्यादा अच्छा है कि बीसीए करना ज्यादा अच्छा है। देखिए फिर मैं बोलूंगा कि बीएससी में एक प्रॉब्लम होता है कि कई बार परसेंटेज बनाने में मुश्किल होती है और फिजिक्स आपका इंटरेस्ट एरिया क्या, मान लो आपको अगर आगे कंप्यूटर फील्ड में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के फायदे नहीं है। तो ऐसे में अगर हम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए की एक डिग्री लेते हैं तो एक अच्छा है। तो ये सेशन जो डेडिकेटेड है वो है कि कंप्यूटर फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बीसीए के साथ साथ किस तरह से प्रिपरेशन करें, नंबर वन थिंग। और एक और बात है, अगर ट्वेल्थ के साथ आप आईआईटी में सिलेक्ट हो गए, एनआईटीज में सिलेक्ट हो गए, इज गुड, कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज है तो भी चलेगा, पर नॉर्मल कॉलेज से बी करने से कई अच्छा है कि आप बीसीए करके एक बार फिर निम सेट नाम का एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू एनआईटीज मिलते हैं, इसकी प्रिपरेशन करें, इज अ बेस्ट थिंग। इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आईआईटी मेंस के थ्रू आपको एनआईटीज मिलता है वैसे ही आपको निम सेट के थ्रू एनआईटी मिलता है। कॉलेज सेम होते हैं, जैसे यहां पर एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, कैलीकट, इलाहाबाद ये मिलते हैं, वैसे ही ये कॉलेज भी हैं और बहुत, और दूसरी बात ये पीजी डिग्री है। तो ऐसे में अगर आपने आईआईटी की प्रिपरेशन समय रहते नहीं की गई तो ये एक ऑप्शन है कि आप 3 ईयर के बीसीए के साथ साथ एमसीए का प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दें। इनफैक्ट हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे पास कॉलेज का भी एफिलेशन है जिसका एफिलेशन है माखन लाल यूनिवर्सिटी से, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं। मैं एक ऐसा सेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग सिटीज के आए हैं, दिल्ली का है बच्चे, कुछ बिहार के बच्चे हैं, अलग इवन आसाम का भी बच्चा जो कि बीसीए के साथ एमसीए का फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करने हैं। अब एडवांटेज क्या है कि अगर फर्स्ट ईयर से ही वो बीसीए के साथ एमसीए का प्रिपरेशन करेंगे तो ना तो उनके ऊपर पूरा समय बीसीए पे प्रेशर आएगा ना ही एमसीए पे प्रेशर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात ये कि भोपाल से क्यों, क्योंकि क्या होता है एक ही कैंपस में जब दोनों चीजें होती तो हमारा टाइम सेव होता है, हम फोकस रहते हैं, हम डाइवर्ट नहीं होते। तो ऐसे कई सारे एडवांटेज है, उसका मैं सेशन आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, डिफरेंट सेशन होगा तो आप मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट बच्चों से, तो आपको समझ में आएगा कि क्या एडवांटेज है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, ये मैं सेशन ले इसलिए रहा हूं क्योंकि जब हमारे एमसीए एंट्रेंस के बच्चे फाइनल ईयर में आते हैं, फाइनल के बाद आते हैं, तो उन्हें ये बहुत अफसोस होता है कि सर हमें अगर पहले से पता होता या हमें कोई बताने वाला होता, गाइडेंस करने वाला, तो हम पहले से प्रिपरेशन करते हैं, हमें ड्रॉप नहीं लेना पड़ता। बहुत सारे बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा सेकंड ड्रॉप तक लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्होंने फाइनल ईयर में सोचा होता है या फाइनल के बाद एक ड्रॉप लेते हैं। हर एग्जाम के लिए मैंने अभी फिर बोला कि टाइम लगता है, तो अगर वो टाइम नहीं दोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, टाइम दोगे तो आपको फायदा मिलेगा। हम पिछले कई सालों के अगर रिकॉर्ड देखें तो आज तक जो बच्चा 2 और 3 ईयर की प्रिपरेशन करते आया वो टॉप 100 में ही रैंक बनाते आया, क्योंकि उसने समय रहते हुए प्रिपरेशन की। तो ये एक इंपॉर्टेंट, इसलिए सेशन इस बार मैंने बिल्कुल प्लान किया कि जो जो चीजें आप भेजते हैं क्वेश्चंस में उन सभी पे टाइमली सेशंस लिए जाएं और आपको इन्फॉर्म किया जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए। जब से ये यूट्यूब पे मैंने निमसेट को लेके, एमसीए को लेके वीडियो डालने चालू किए, एमसीए को लेके अवेयरनेस बढ़ी है, लोग सीरियस हुए, कई लोगों को पता ही नहीं था कि एनआईटीज के थ्रू भी हम एमसीए कर सकते हैं। जैसे क्या होता है आईआईटी में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। कई बार हमारा केमिस्ट्री या फिजिक्स वीक होता है इसलिए हम आईआईटी क्रैक नहीं कर पाते, 3 सब्जेक्ट में बैलेंस नहीं कर पाते। जब हम एनआईटीज की बात करते हैं एमसीए के लिए तो केवल इसके 3 सेक्शन होते हैं, एक होता है मैथ्स, एक होता है एलआर लॉजिकल रीजनिंग, एक बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल और बेसिक इंग्लिश। मैथ्स और एलआर एक ही चीज, यानी आप 2 सब्जेक्ट से बच गए। तो अगर आपका सपना ट्वेल्थ में पूरा नहीं हो पाया आईआईटी के थ्रू एनआईटीज में जाने का, तो ये एक बहुत अच्छी लाइन है जो पता नहीं, कंपटीशन का लेवल देखें तो कंपटीशन लेवल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आईआईटी लगभग 12 लाख लोग देते हैं और इन 12 लाख लोगों में बच्चे आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं, फिर आईआईटी के बाद वो एनआईटीज में एडमिशन ले लेते हैं, फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लेते हैं, यानी बहुत कम क्राउड होता है जो ग्रेजुएशन करता है। उस क्राउड में से वो लोग जो एमसीए की प्रिपरेशन करते हैं तो कम हो जाते हैं, यानी 10 टाइम मैं बोल सकता हूँ इजीली कॉम्पिटिशन कम है, बल्कि 20 टाइम्स बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी आप सोच लीजिए इतना लेस कॉम्पिटिशन है, सब्जेक्ट कम पढ़ना होता है, बट फिर भी कंपटीशन तो है। पेपर का सिलेबस, मैथ्स का पेपर होता है तो वो 11th 12th का ही होता है, जो आईआईटी का सिलेबस होता है वही, क्योंकि वही बॉडी कंडक्ट करती है। तो अगर ये चीज हमें समय रहते हुए पता चल जाए तो उसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं वो समझिए। तो जैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं फर्स्ट ईयर से ही, वो क्या करते हैं कि सुबह पहले कॉम्पिटेटिव क्लास अटेंड करते हैं, फिर कॉलेज करते हैं, फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, और इस तरह से वो 2-3 ईयर कंप्लीटली प्रिपरेशन करते हैं तो उनको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है बीसीए के साथ साथ।
और दूसरा कि कोई भी आपको मिसगाइड करे कि बीसीए कोर्स की वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। हम लास्ट 15 इयर्स 20 इयर्स एमसीए के लिए क्लासेस ले रहे हैं और बीसीए विद एमसीए वाले बच्चे ऑलरेडी बड़े बड़े जगह पे हैं। ऐसे मैंने कई सेशंस भी डाले, आप उनके सेशंस इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आधे से ज़्यादा बच्चे आज इंडिया से बाहर है, यानी एक फुल एक्सपोजर है। किसी भी एनआईटीज में अगर हम देखें, एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल या कैलीकट या इलाहाबाद, वहाँ पे 30 लाख प्लस तक के पैकेजेस जाते हैं। वही कंपनियाँ जो बी वाले को हायर करती है, वही कंपनियाँ एमसीए को हायर करती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जिसके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने आईआईटी के लिए 11th या 10th या एटलीस्ट 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपका ड्रॉप लेना चाहिए। अब एक लॉजिक समझिए, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इस साल लगभग 10 लाख लोगों ने आईआईटी का एग्जाम दिया, अब इसमें से 1.5 लाख लोग वो थे जो एडवांस को क्रैक करके क्वालिफाई हो गए, पर करीब 12,000 बच्चों ने आईआईटी में एडमिशन लिया, 18,000 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 18,000 बच्चों ने एनआईटीज में एडमिशन लिया, 30,000 20,000 और अच्छे बच्चों ने बीट जैसे बिट्स के थ्रू वीआईटी के थ्रू एडमिशन लिया, 50,000 हो गए और 50,000 ले लें 1 लाख। अब ये लो लगभग 50,000 बच्चा बचता है, एक ये बच्चा और जिसका कट ऑफ के आसपास स्कोर होता है वो बच्चे, और एक पीछे से भी लावी चली आ रही थी जो 9th 10th से प्रिपरेशन कर रहे होते, वो ये बच्चा भी ड्रॉप ले रहा है, एक वो जो पीछे से पढ़ते आ रहा है, और एक वो बच्चा जिसने 12th के बाद ही सोचा आईआईटी के प्रिपरेशन करेंगे। आप सोचिए आपको क्या दिक्कत होगी, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी रिटर्न निकाल चुके हैं, जेई मेंस क्वालिफायर कर चुके हैं, वो भी एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर से आईआईटी के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, एक नए बच्चे भी आ रहे हैं जो पीछे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे में आपके लिए फाइट लंबी हो जाती है। हाँ, अगर आपने, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बोलूंगा, बिल्कुल मैं फोकस हूँ क्योंकि हमारे सब कोर्सेज होते हैं, तो मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं बायस हूँ इस कोर्स के लिए। अगर आपने 11th से आईआईटी की प्रिपरेशन की और बाय चांस 12th में नहीं हो पाया, देन गो फॉर ड्रॉप, फिर आपका ड्रॉप 100% सक्सेसफुल होगा। पर अगर आपने 12th में भी आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं की और आप 1 ईयर का ड्रॉप लेते हैं, तो ऐसे में आपके लिए चांसेस बहुत, आपको अलग एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जेई लेवल के, और उसको भी आप असेस कर सकते हैं कि आपने 12th का तो एग्जाम दिया ही है, क्यों ना आप आईआईटी के पेपर सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मिनिमम कितनी प्रिपरेशन लगेगी। तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, अगर कहीं कंफ्यूजन आप बिल्कुल बात करो मुझसे, पर असेसमेंट तो सेल्फ करना आना चाहिए कि आप आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप हमेशा जीतोगे, नहीं तो आपको मुश्किल होगी। होता यह है कि हम एक्सपेक्टेशन हाई करते हैं और इनपुट कम देते हैं, अगर इनपुट सही समय पे सही तरीके से दिए जाए तो आपका एक्सपेक्टेशन हमेशा पूरा होगा। तो ये एक अच्छा आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि गो फॉर बीसीए, बीसीए के साथ आप पहले साल से ही एमसीए का प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इज नॉट नेसेसरी, मैं आपको जरूर बोल रहा हूँ कि आप भोपाल से हमारे साथ कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि आप भोपाल से आके ही बीसीए करें, आप कहीं से भी करें, बट और कहीं से भी करने के बाद भी आप एमसीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, बट फर्स्ट ईयर से कर दें, उससे ये एडवांटेज होगा कि आपको ड्रॉप नहीं लेना होगा। दूसरा, आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं, यानी बीसीए की पढ़ाई भी मैनेज कर पाएंगे, एमसीए के लिए हार्डली 2-3 आवर दें स्टार्टिंग में, सेकंड ईयर में 4 आवर दें, थर्ड ईयर में 5 आवर दें, इस तरह से, और ऐसे बीसीए में करें, यानी एक प्रॉपर एजेंडे के साथ आप प्रिपरेशन करें, उसके फायदे होंगे। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे आज जब ड्रॉप लेते हैं, आज कई बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड ड्रॉप वाले हमारे पास आते हैं, फर्स्ट ड्रॉप वाले, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि, और वो बताते हैं जबकि सर हमें कोई इन्फॉर्म करने वाला नहीं था, जब आपके वीडियो देखे, जब हमें पता चला, तो ऐसे में मुझे एक मोटिवेशन आता है कि क्यों ना मैं अपने इस तरह के सेशंस लूँ जिससे बच्चों को टाइमली पता चले। एक बच्चा भी अगर इस सेशन से अवेयर होता है तो मुझे लगता है कि मेरा ये सेशन सफल है, क्योंकि हम जितना अवेयर जितनी जल्दी होंगे उतनी जल्दी हमारे पास सक्सेस की होगी। और कोई ना कोई रास्ता सुनना है, ये एक बेसिक रास्ता बताया, फिर आपका जो भी इंटरेस्ट हो आपका, अगर आपको लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, देन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर फर्स्ट ईयर, मुझे मान लीजिए रेलवे में जाना है, देन अगेन प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से करना है, मुझे जो भी फील्ड में जाना है एक्स वाई जेड, उसकी अगर प्रिपरेशन में 12th के बाद फर्स्ट ईयर से ही कर दूं, जैसे आईआईटी के लिए बच्चा 9 से करता है, अगर वही काम मान लो मैं नहीं कर पाया 9th 10th 11th 12th में, कोई बताने वाला नहीं था, तो क्यों ना फर्स्ट ईयर से कर दिया जाए, जिससे कि मैं समय रहते हुए वो सब अचीव कर सकूं जो मैं चाहता हूं, जो मैं उस समय नहीं कर पाया। तो मैं आप सबको एक बेसिक बात बोलूंगा, यहां पर एक कोर्स लिया है, ऐसे और भी कोर्स लूंगा, पर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि आप इस सेशन को सुन के सोचो कि मैं आपको अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं हमेशा ये सोच के बोलता हूँ कि आपका अपना थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपको समय रहते हुए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो एक चीज़ कि आपको क्या करना है और इससे लॉन्ग टर्म क्या करने वाले हैं, और जो भी करने वाले हैं उसका प्लान ले लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि एमसीए एंट्रेंस देना है तो आज से प्रिपरेशन एमसीए की कर लें, आप सोचते हैं पीएससी देना है पीएससी की प्रिपरेशन करें, आप सोचते हैं यूपीएससी देना है यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, एक्स वाई जेड जो भी एग्जाम आपको डिफेंस का देना है डिफेंस की प्रिपरेशन करें,
मान लीजिए जो भी एग्जाम देना है उसकी प्रिपरेशन उस दिन से स्टार्ट कर दे जिस दिन आप ये डिसाइड कर लें कि आपको करना क्या है। अगर ये आपने जीवन में कर लिया तो आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। मेरे पास जब बच्चे बीसीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले करते हैं, आज की डेट में मैं आपको बताऊं जितने बच्चे फाइनल और फाइनल के बाद वाले जुड़े उससे कई ज्यादा बच्चे इम्पीटस गुरुकुल के ऑनलाइन कोर्स के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले जुड़े। मुझे कुछ भी आश्चर्य होता है कि सेशंस का इतना फायदा है कि बच्चे समय रहते हुए कोर्स से जुड़ गए, सोचिए, और इसका रिजल्ट भी मिलेगा। आज अगर हम देखें तो इस साल के जो रिजल्ट है उसमें ऑनलाइन वाले बच्चों ने बेस्ट परफॉर्म किया। एक तो बच्ची ऐसी है जिसने नॉन मैथ्स होते हुए ऑल इंडिया 66 रैंक लाई, मैंने उसका वीडियो भी डाला था, महिमा पांडे नाम है उसका। तो इस तरह के कई सारे बच्चों के सेशंस मैं आपके साथ इस बार शेयर करूंगा, आप जरूर देखिए। तो आप जो भी प्लान करते हैं उसका लॉन्ग टर्म प्लान करिए, देखिए किस कोर्स में आप सूटेबल हैं। अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में जाना है, अगर बी के थ्रू जा सकते हैं ठीक, नहीं जा सकते हैं बीसीए के थ्रू जाएं। सिविल सर्विसेज में जाना है आप यूपीएससी के लिए फोकस करें, पढ़ाई बिल्कुल अलग होगी। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं ट्वेल्थ के बाद तो सीडीएस के लिए एफकेट के लिए प्रिपरेशन करें, यानी जो भी आपका एम है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें, उससे रिलेटेड पेपर्स देखें, उसके रिलेटेड एलिजिबिलिटी देखें, अपने आप को असेस करें एंड देन प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और कहीं पे कोई डाउट आए, कहीं कोई प्रॉब्लम आए, आप मुझे बिल्कुल अपने कमेंट्स भेजें, अपने क्वेश्चंस भेजें, मैं आपके बिल्कुल डाउट सॉल्व करूंगा। इस बार मेरा ये बिल्कुल टारगेट है कि पढ़ाने के साथ साथ वो सारे सेशंस मैं आपके साथ लूं जहां पर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।